Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to our channel Dreamshot. Mostly मैं अपना फोटोज ISO 100 पे क्लिक करता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि ISO हमेशा 800 से कम रखूँ. ISO मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे कोई फोटोग्राफर्स को बोलते हुए सुने आप, या फिर आप खुद ऐसे सोचते हो? मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये बोलते हुए सुना है और एक टाइम पे मैं खुद भी ऐसे सोचता था. जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इसी तरीके से सोचते हो, ये पूरा वीडियो देखना और हो सकता है कि आपके थॉट्स जो है वो बदल जाए. तो मैंने बोला था कि मैं बेसिक्स के ऊपर भी बात करूंगा और बेसिक्स में मुझे लगा ISO इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैव टू टच अपॉन. ये मेरा ISO के ऊपर लास्ट वीडियो होगा, एटलीस्ट अब के लिए. मेरे दो वीडियोस और है ISO के ऊपर और उनका जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो के बाद मैं फिर से वो जॉनर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स के ऊपर शिफ्ट करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सेम कैमरा, सेम लेंस, सेम लोकेशन पे मैं तीन फोटोज क्लिक करूंगा. हर एक फोटो में कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो उस फोटो को परफेक्ट पोर्ट्रेट नहीं बनाता है. आपको पहचानना है कि उनमें से सबसे बेहतर फोटो कौन सा है. मैं चाहता हूं कि आप इन तीन फोटोज को गौर से देखो. इन तीन फोटोज में सब्जेक्ट्स दो टेडी बेयर्स हैं और हम एज्यूम करते हैं कि मेरा जो असाइनमेंट है उन दोनों टेडी बेयर्स की पोर्ट्रेट्स क्लिक करके उनको वापस देना है. आप 2-3 सेकंड्स तक इन फोटोज को देखो और सोचो कि इन तीनों फोटोज में बेटर फोटो कौन सा है. अब देखो जो पहला फोटो है उसको मैं जब क्लाइंट को सबमिट करूंगा, मेरा क्लाइंट दो टेडी बेयर्स है, तो ये बहुत क्लियर है कि बैकग्राउंड को ब्लर करने के चक्कर में मैंने अपर्चर इतना वाइड रख दिया कि एक टेडी बेयर पूरा ऑफ फोकस हो गया. तो ऑब्वियसली उसको खराब लगेगा क्योंकि वो फोकस में ही नहीं है. सो दिस इज नॉट अ गुड फोटो. अब हम दूसरी फोटो में जाएंगे. यहाँ पे मैंने शटर स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो कर दिया और स्लाइट शेक आ गया है. ऑब्वियसली ये भी इन दोनों को अच्छा नहीं लगेगा. अब जब हम तीसरे फोटो पे जाएंगे, इसमें ISO कुछ ज़्यादा रखा हुआ है. क्या आपको सही में लगता है कि सिर्फ ISO क्योंकि ज़्यादा है ये क्लाइंट इस फोटो को रिजेक्ट कर देगा? डेफिनेटली नॉट. इन मोस्ट केसेस नो. इन फोटोज के जरिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एपर्चर को परफेक्ट रखना और शटर स्पीड को मोर एफिशिएंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कभी कभी ISO थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है ना, वो ठीक है. ISO को मिनिमम रखने के लिए शटर स्पीड और एपर्चर में कॉम्प्रोमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एपर्चर सेट करते वक्त हमें दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक मैक्सिमम पॉसिबल लाइट आए और जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है वो कवर होना चाहिए. शटर स्पीड सेट करते वक्त हमें ये श्योर होना चाहिए कि इस शटर स्पीड में हमारा सब्जेक्ट जो है वो फ्रीज होंगे. कोई ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट नहीं है तो फिर थोड़ा स्लो शटर स्पीड चलेगा. अगर ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं तो शटर स्पीड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. आपके फोकल लेंथ के ऊपर भी शटर स्पीड डिपेंड करता है, वो एक अलग सा टॉपिक है. कभी कभी हो सकता है कि आप डेलिबरेटली शटर स्पीड को बहुत स्लो रखें, वो भी एक अलग सिचुएशन है. लेकिन जनरली हमें कोशिश करना है कि शटर स्पीड से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रीज करें. और अपर्चर और शटर स्पीड की ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा उसके बाद हम सोचेंगे कि ISO जितना हो सकता है उतना कम रखें. एक फोटो में हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि ISO मिनिमल रखें हम, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हमें और दो मेजर फैक्टर्स है हमारे पास. अगर ISO भी हम लोगों ने एफिशिएंटली मिनिमम पॉसिबल ISO रख दिया देन इट इज़ ग्रेट, लेकिन दैट शुडंट बी द सोल इंटेंशन. नॉइस कैसे क्रिएट होता है ये मैंने अपना एक वीडियो में बताया है. इट्स जस्ट अ डिजिटल एम्पलीफिकेशन. डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है. और एक बात मैं आपको बता दूं कि अराउंड 2012 से अब तक मैंने सिर्फ फोटोज को रॉ में क्लिक किया है. हमारे पास मेमोरी कार्ड्स है, हार्ड डिस्क है, गूगल ड्राइव है, स्पेस की कभी कोई कमी नहीं है. लेकिन अगर हमारा एडिटिंग ऑप्शंस एनहेंस करना है तो डेफिनेटली हमें रॉ में क्लिक करना पड़ेगा. मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अगर एक पर्टिकुलर फोटो क्लिक किया है वो थोड़ा सा डार्क आ चुका है तो उसमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर सिर्फ ISO को ही बढ़ाना था, अगर आपने रॉ फॉर्मेट में क्लिक किया है तो घर पे उसको ले आके अगर आप एडोब फोटोशॉप या एडोब लाइटरूम में अगर आप एक्सपोजर को इंक्रीज करोगे वो लगभग वैसे ही है जैसे आप ISO को इंक्रीज करते हो. अगर डिफरेंस कहीं होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा. एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो जब मैं शादियों में जाता हूं, जब हम फोटोज़ क्लिक करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं फोटोज़ क्लिक करने के बाद इमीडिएटली हमारे पास आ जाते हैं, बोलते हैं फोटोज़ दिखाओ. तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता हूं मैं उनको दिखाने के लिए क्योंकि पिक्चर्स कभी कभी डार्क रहता है. बहुत लोग ये नहीं समझते कि ये रॉ में क्लिक किया हुआ पिक्चर है, घर पर आके इसका एक्सपोजर ठीक ही हो जाएगा. इसलिए कभी कभी मुझे
एक और पिक्चर क्लिक करना पड़ता है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन वो जो दूसरा पिक्चर है वो एडिटिंग में नहीं जाएगा। अच्छा क्वालिटी वाला फोटो वो अंडर एक्सपोज पिक्चर से ही मिलेगा। आराम से घर पे आके उसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लो तो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मैंने सेकेंड और थर्ड पॉइंट थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। सेकेंड पॉइंट था आपको रॉ में ही क्लिक करना है ताकि आप वापस घर पे आके एडिटिंग के टाइम पे उसको ठीक कर लो। थर्ड पॉइंट जैसे कि मैंने सेकेंड पॉइंट में ही बताया था, अंडर एक्सपोज करो। जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो हम हमेशा चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट पूरा परफेक्टली एक्सपोज हो। ये हमारे कहीं ना कहीं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। एक ब्राइट स्काई के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और अगर आप चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली एक्सपोज्ड हो, देन लाइकली चांसेस ये है कि स्काई जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड होगा तो वो सब्जेक्ट में जो डिटेल्स है वो अपने एडिटिंग के टाइम पे हम लोग वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन जो स्काई जो ओवर एक्सपोज हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, वहाँ से फिर डिटेल्स हमें नहीं मिलेगा। जब आप कैमरा में उस फोटो देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये परफेक्ट फोकस है उसके ऊपर और एक्सप्रेशन परफेक्ट है, सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो गया, वापस घर जाके थोड़ा सा उसका एक्सपोजर ठीक कर दो। ऑब्वियसली आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रॉ में क्लिक करोगे तभी आप एक्सपोजर को अच्छे से फिक्स कर पाओगे। हमें कभी ऐसे फिक्स नहीं होना चाहिए कि 800 ISO तक ठीक है या 1600 ISO तक ठीक है, 200 ISO तक ठीक है, ऐसे कोई रूल नहीं होता है। आप जिस टाइम पे जो कैमरा लेके फोटो क्लिक कर रहे हो आपको उस कैमरा के बारे में थोड़ा सा जानना है। हर एक कैमरा हर एक मॉडल का एक लिमिट होता है, उस पर्टिकुलर ISO के बाद ग्रेन्स थोड़ा सा एविडेंट होने लगता है, आपको इस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप कोई एंट्री लेवल DSLR यूज़ कर रहे हो या फिर मिररलेस यूज़ कर रहे हो, सोचो आप 1300D यूज़ कर रहे हो या फिर निकॉन का 3400D यूज़ कर रहे हो, 5300D यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है कि आपको 800 में सब नॉइज आना शुरू कर दे। मैं जो यूज़ करता हूँ वो 5D Mark III है, पुराना कैमरा है, 2012 का है, 1600 तक मुझे सेफ लगता है, इवन फॉर वेडिंग फोटोज़। कोशिश करता हूँ कि कम ISO में क्लिक करूँ, लेकिन 1600 तक मैं जा सकता हूँ। तो आप सभी जो कैमरा यूज़ करते हो उन सारे कैमरास का आप एक ISO लेवल सेट कर दो, तो आपको अलग अलग फोटोज ब्राइट लाइट में, कम लाइट में, पूरा डार्कनेस में क्लिक करके पता करना पड़ेगा ऐसे कौन सा ISO पे आपका कैमरा ग्रेन्स दिखाने लगेगा। सोचो आप बहुत हाई एंड कैमरा यूज कर रहे हो जहाँ पे 3600 6400 में ग्रेन्स दिख ही नहीं रहा है, उस टाइम पे आपको शटर स्पीड और अपर्चर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, तब आपको ISO 3600 या 6400 तक जाने की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जॉनर क्या है? आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर हो, एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, एक हॉबीस्ट हो, आप फोटो जर्नलिज्म करते हो, आप करते क्या हो? फोटो क्वालिटी के हिसाब से आपको इन सारे जॉनर्स को एक जैसे नहीं देखना चाहिए। आपका अगर कोई वेडिंग क्लाइंट है देन ऑब्वियसली यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट क्वालिटी फोटो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा हाई ISO में फोटोज क्लिक किए जा रहे हो और फोटोज जब डिलीवर करते हो कोई क्वालिटी नहीं है फोटो में, पूरा नॉइज से भरा हुआ फोटोज है, वैसे नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई ऐसे फोटोग्राफर जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए फोटोज क्लिक करते हो, आपका फोटोज जो है वो रोड्स पे जो बिल बोर्ड सब होता है वहाँ पे आता है, वहाँ पे भी आपका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ISO, क्योंकि इतना बड़ा फोटो बन जाता है, इतने लोग दूर दूर से देख पाते हैं, अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे अगर आपको नॉइज दिख जाए। सोचो आपका फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में आप कोई फोटो सब्मिट कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा फोटो का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो। लेकिन कुछ कुछ जॉनर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फोटो की क्वालिटी उतना मायने नहीं रखता, जैसे कि आप फोटो जर्नलिज्म में हो, आप कोई मीडिया में काम करते हो, ऐसे टाइम पे बहुत मायने रखता है कि आपकी फोटोज में क्या है। एक पर्टिकुलर जगह का स्टोरी दिखाना है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की लोगों की लाइफस्टाइल दिखाना है, लोगों की इमोशंस, लोगों की एक्सप्रेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे फोटोज में कोई भी क्वालिटी देखने नहीं आएगा, तो उस टाइम पे अगर थोड़ा सा हाई ISO होगा भी, थोड़ा सा ग्रेन्स आ भी गया तब भी चलेगा। हियर व्हाट यू क्लिक्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ यू क्लिक्ड। तो बोलने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन हमें ISO को जॉनर के बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। धीरे धीरे अगर मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, यू आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल में कॉन्स्टेंटली कॉमेंट करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम और चेहरा भी फेमिलियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, अप्रिशिएटिंग माई वर्क। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लेट मी नो बाई गिविंग इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। उन दोनों टेडी बेयर्स की पोर्ट्रेट्स क्लिक करके उनको सबमिट करना है।
जो उस फोटो को परफेक्ट फोटो नहीं बनाता है, जो उस फोटो को परफेक्ट पोर्ट्रेट नहीं बनाता है। मैं कोशिश करता हूं कि ISO हमेशा 800 से कम रखूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।